तो दोस्तों हम आ चुके हैं डॉक्टर मंजू मैम के पास में। उनसे हम जानते हैं कॉमन बीमारियां जो प्रेगनेंसी के टाइम पर होती हैं लेडीज को, उसके बारे में जानते हैं और डिटेल में जानते हैं क्या क्या चीजें हम कवर कर सकते हैं उसमें। हेलो मैम। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मंजू गुप्ता फ्रॉम मदरहुड हॉस्पिटल नोएडा। आज हम बात करेंगे, जैसा इन्होंने कहा, बीमारियां जो प्रेगनेंसी में हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो थोड़े कॉमन होते हैं, जिनका अफेक्ट मदर और बेबी दोनों की हेल्थ पे हो सकता है और प्रेगनेंसी में ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करें अगर थायराइड, हाइपोथायराइड या हाइपर थायराइड हो सकता है, मदर का ब्लड प्रेशर शुरू में लो और बाद में बढ़ना शुरू हो सकता है, वो पेशेंट को और बच्चे को, दोनों को, माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्की हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, शुगर इज वन ऑफ द वेरी कॉमन डिसऑर्डर जो प्रेगनेंसी में कई लोगों का बढ़ जाता है, जिसके लिए हम प्रेगनेंसी में बार बार स्क्रीन करते हैं। मेनली ये तीन डिजीजेस होती हैं विच वी आर वरिड। उसके अलावा लिवर प्रेगनेंसी में खराब होने के कई बार काफी चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से लिवर एंजाइम्स डिरेंज हो जाते हैं, लिवर का टेस्ट कराया जाता है और अकॉर्डिंगली उसकी दवाई दी जाती है। तो जैसा कि हमने जाना क्या क्या बीमारियां या क्या क्या सिम्टम्स हम देखते हैं प्रेगनेंसी में, तो क्या प्रिकॉशंस मैम हमें इसमें करने चाहिए जो पेशेंट इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं? प्रिकॉशंस के तौर पे ये होता है कि जब पेशेंट आपके पास ओपीडी में आता है, तो हम पहली विजिट पे अगर उसको सिम्टम्स नहीं भी हैं, तो भी कोशिश करते हैं कि उसका एक थायराइड टेस्ट करा लिया जाए, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत भी थायराइड है तो उसको टाइमली ठीक कर दिया जाए और बच्चे को उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं हो। बीपी हर विजिट पे चेक किया जाता है और शुगर्स भी टाइम टू टाइम चेक किए जाते हैं। मैम, ऐसी कॉमन बीमारियां जो बच्चों को भी प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाती हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में आप अगर बताएं। बच्चों को जनरली, अगर मदर को डायबिटीज है तो बच्चे को आगे जाके डायबिटीज होने के 5-10% चांसेस होते हैं। थायराइड अगर मदर का बहुत अनकंट्रोल्ड है तो बच्चे को थायराइड हो जाता है और मेंटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है। और बीपी से एज सच बच्चे को ग्रोथ में फर्क हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म इलनेस नहीं होती। तो ये मेन चीजें हैं जो बच्चे को अफेक्ट कर सकती है। मैम, प्रेगनेंसी में इन सब चीजों से हम किस तरीके से बच सकते हैं या क्या हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए? ये जरूरी है कि हम प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही अपने डॉक्टर से मिले, हम अपनी डाइट को ठीक रखें, लाइफस्टाइल ठीक रखें। अगर हमारा वेट ठीक है प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले या प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां नहीं होंगी। थायराइड के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम आयोडाइज्ड सॉल्ट ही खाएं। कुछ लोग सेंधा नमक आजकल खाते हैं, विच इज रॉन्ग। हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में आयोडीन लेवल्स ठीक रहें और थायराइड लेवल्स ठीक रहें, और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपना शुगर, ब्लड प्रेशर और थायराइड को ठीक रखें। तो क्या मैम प्रेगनेंसी के बाद भी ये बीमारियां कंटिन्यू रहती हैं या प्रेगनेंसी के बाद में ये चीजें खत्म हो जाती हैं? काफी हद तक अगर शुगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ही हुई है तो वो खत्म हो जाती है 1-1.5 महीने में। ब्लड प्रेशर का भी ऐसा ही है, बट वो महिलाएं जिनमें शुगर और ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है, उनको आगे भी ये कंटिन्यू रहने के बाकी लोगों से ज्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मदरहुड हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं, मैम से मिल सकते हैं। थैंक यू।